आज की स्टोरी एक परफेक्ट एग्जांपल है कि आपकी जिद कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कि आपके ड्रीम अचीव करने में। कैरोली हंगरी के एक शूटर हैं, आर्मी में भर्ती हुए थे, लेकिन वो स्पोर्ट्स में दिलचस्पी थी इसलिए स्पोर्ट्स खेलते थे, शूटिंग करते थे। शूटिंग करते करते वो नेशनल्स इंटरनेशनल मैच बहुत खेल चुके थे, बहुत पॉपुलर हो गए थे, लेकिन उनके दिमाग में फिक्स था देश के लिए मेडल लाना है, ओलंपिक्स जीतना है। कुछ समय बाद एक बड़ा हादसा हो गया जिसमें ट्रेनिंग के दौरान, आर्मी के ट्रेनिंग के दौरान ग्रेनेड उनके हाथ में फट गया। उनका राइट हैंड पूरी बॉडी से अलग हो गया। वो हॉस्पिटलाइज हो गए, हालांकि वो बच गए लेकिन राइट हैंड चला गया। उनके दिमाग में अभी फिक्स था कंट्री के लिए मेडल और कुछ नहीं। उन्होंने 3 महीना लगा वापस खड़े हुए और सोच लिया राइट हैंड गया है, लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड से ट्रेनिंग करेंगे। ट्रेनिंग स्टार्ट करी, 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 3 महीना, साल भर में वो रेडी हो गए, नेशनल्स के लिए गए। वहाँ सबको लगा शायद प्रोमोटर है, प्रमोट करने आए, लेकिन वहाँ सबको शॉक में डाल दिया और गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। अभी भी नहीं रुके, फिक्स था कंट्री के लिए मेडल, ओलंपिक्स 1940 के ओलंपिक्स। 40 के लिए पूरी तैयारी कर ली, लेकिन जिस टाइम ओलंपिक्स आने वाले थे वो कैंसिल हो गए किसी न किसी कारण। वापस तैयारी करी, 4 साल लगे, फिर से ओलंपिक्स 1944, वहाँ पे फुल तैयारी करी लेकिन वो भी कैंसिल हो गए क्योंकि वर्ल्ड वॉर था इसलिए। अब वो पूरी तरह से हार चुके थे, सोचा इतना टाइम हो गया कैसे कंट्रोल करें, लेकिन यहाँ फिक्स था ओलंपिक्स मेडल कंट्री के लिए। फिर से मेहनत करी, 1948 वहाँ पे गए, सबको यही लगा कि शायद ये प्रमोटर ही है, ये नहीं जीत पाएंगे, एक ही शॉट में गोल्ड मेडल और कुछ नहीं क्योंकि यहाँ फिक्स था। अब इसके बाद सबको लगा कि हाँ अब तो हो गया है सेटल, अब तो ये शायद रिटायर हो जाएंगे, लेकिन वो रुके नहीं। वो कहते ना कि शेर के मुँह खून लग गया था। 1952 के ओलंपिक्स 4 साल बाद फिर से आए और फिर से सीधा सीधा निशाना गोल्ड मेडल, ये भी उन्होंने जीत लिया। इसीलिए वो कहते हैं ना, ऑब्स्टेकल्स डू नॉट ब्लॉक योर पाथ, दे आर द पाथ। उनके दिमाग में अर्जुन की तरह निशाना फिक्स था कि मछली की आंख में लगाना है, मेडल लेना है कंट्री के लिए तो लेना है, और कुछ नहीं, कुछ और विकल्प था ही नहीं, कोई ऑप्शन था ही नहीं। इसलिए मैंने स्टोरी के पहले ही आपको कहा था कि दृढ़ संकल्प, उनका जो जिद है वो बहुत पक्की थी, इसलिए लगे रहिए अपने गोल के लिए। हमेशा वही कहता हूँ, नेवर सेटल्ड, कीप मूविंग। जय हिंद।